स्टूडेंट्स आज बताऊंगा आपको कि वर्ब्स कैसे याद करनी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं कि कैसे आप वर्ब्स को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। कुछ वर्ब रेगुलर होती है, कुछ इरेगुलर होती है और कुछ सिंपल वर्ब होती है। तो इन रेगुलर वर्ब को तो हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब और सिंपल वर्ब भी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन इरेगुलर वर्ब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। आज के इस वीडियो लेसन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप यहां बोर्ड पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स। फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, फर्स्ट फॉर्म जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है रेगुलर वर्ब्स की। अब आप कहेंगे सर रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। दूसरी होती है स्टूडेंट्स इररेगुलर वर्ब्स, मैं वर्ब्स भी लिख देता हूं। और तीसरी होती है आपके सिंपल वर्ब्स। ये तीन प्रकार की वर्ब्स होती है। होता क्या है स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब को याद करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर वर्ब जैसे है प्ले, तो प्ले में जब आप इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ईडी अप्लाई करना है। थर्ड भी यही होगी, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। इस तरीके से दो फॉर्म तो कॉमन होती है हमारी, आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस वाली फॉर्म। ऐसे ही आप और भी काफी सारी वर्ब, जैसे आपने कहा कंसिडर, आप जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आर के बाद ईडी अप्लाई कर देंगे, कंसिडर्ड हो जाएगा। तो ये वर्ब्स को लर्न करना बहुत ज्यादा इजी होता है, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, राइट। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग इररेगुलर वर्ब्स की, सो वी फाइंड देम लिटिल बिट टफ, बिकॉज ये रूल को फॉलो नहीं करती। अब जैसे देखो, मैं एक वर्ब मैंने लिखा कम, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई कैम और थर्ड हो गई कम। अब आप देखो यहां पर सेकंड फॉर्म में केम आ गया। इसी की तरह एक वर्ब होती है रन, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन, यहां भी ए लगता है, और थर्ड फॉर्म रन। जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है, मतलब ये फॉर्म सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये इस तरीके की कैटेगरी। वही दूसरी और एक वर्ब हम देखते हैं रिंग, आर आई एन जी रिंग, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रैंग, यहां ए लग जाता है और थर्ड में यू लग जाता है, रंग। अब इसी सीरीज में हम लोग एक वर्ब देखते हैं ड्रिंक, ये भी इसी की तरह चलती है, यहां आई है तो आई का यहां पर ए किया तो यहां भी ए होगा ड्रिंक और यहां पर होगा ड्रंक यू। इसी सीरीज में एक और वर्ब आप ले लीजिए सिंग, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी सैंग, थर्ड फॉर्म होगी संग, राइट। रिंग रन दौड़ना, रिंग रिंग द बैल घंटी बजाना, ड्रिंक पीना और सिंग गाना, है ना। ऐसे एक वर्ब आप इसमें ले लीजिए श्रिंक, ठीक है, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी श्रैंक और थर्ड फॉर्म होगी श्रंक, गॉट इट। सो आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये सारी के सारी वर्ब्स की फॉर्म एक जैसी ही चल रही है। तो ये जो वर्ब्स होती है ये होती है रेगुलर वर्ब। तो आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूं मैं आपको रेगुलर वर्ब्स को कैसे लर्न करना है वही ट्रिक बताऊंगा। तीसरी आपकी जो वर्ब्स की कैटेगरी होती है वो होती है सिंपल वर्ब। जैसे आपने एक वर्ब कहा कट, स्टूडेंट्स बता दो इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट कट। आपने एक वर्ब कहा सेट, सेट सेट सेट। आपने एक वर्ब कही हर्ट, तो तीनों फॉर्म हर्ट की एक जैसी होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, राइट। हाँ, सीट अलग हो जाता है, सीट मतलब होता है बैठना, इसकी सेकंड फॉर्म सेट हो जाती है, SAT, है ना, और थर्ड फॉर्म भी सेट। और ये जो सेट है ये अलग है, सेट सेट सेट, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें A है, इसमें E है, राइट। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ द वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब एंड सिंपल वर्ब। और जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो है कि इररेगुलर वर्ब्स को कैसे लर्न करना है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स या बोर्ड पर आप लोग देखेंगे, आप एक वर्ब ले लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको सिंग का तो बताई दिया, सिंग, रिंग, ड्रिंक, श्रिंक, ठीक है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हम लोग जो आई है आई को क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ब होती है आपकी सिंक, राइट। अब आप इधर देखिए, इन वर्ब्स की जब आप सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो हम सबको पता है ए लगता है, इसमें आप यू लगाते हैं, इसमें आप आर ए एन जी लिखेंगे तो इसमें आप आर यू एन जी लिखेंगे, है ना। अच्छा, मीनिंग तो सबको पता है, सिंग यानी डूबना, स्ट्रिंग यानी सिकुड़ना, ड्रिंक यानी पीना, रिंग यानी बजाना, सिंग यानी गाना, है ना। ओके, ड्रिंक इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक और थर्ड होगी ड्रंक, ऐसे होगा स्ट्रिंग, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रैंक और थर्ड फॉर्म होगी इसकी श्रंक। हाँ, कुछ कुछ बुक्स में आपको यहां पर भी यू लगा मिलेगा, श्रंक मतलब कुछ बुक्स में स्ट्रिंग की जो सेकंड फॉर्म है इसमें यू यहां भी लगा और यहां भी लगा हुआ है, राइट। लेकिन हमें ट्रेडिशनल पैटर्न जो ब्रिटिश इंग्लिश का उसके अकॉर्डिंग चलना है। सिंक इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड होती है संक। तो एक ये कंप्लीट हो जाता है।
ऐसे ही एक सीरीज आप दूसरी ये वाली बना लो, दूसरी आप बना लो कौन सी अपनी, ये वाली बना लो एक, नो की बना लो, नो की बना लो, फ्लाई की बना लो, ग्रो की बना लो, ये सब एक जैसे चलते हैं, है ना। अब देखो नो, नो की सेकंड फॉर्म बताइए क्या बनती है, न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, राइट। ऐसे देखो फ्लाई की सेकंड फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स फ्लू, थर्ड फॉर्म बनती है फ्लोन, है ना, लास्ट में इस तरीके से हो जाता है। ऐसे ग्रो की सेकंड फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स ग्रू, थर्ड फॉर्म बनती है ग्रोन। अच्छा एक और बात याद रखें, अब जैसे ग्रो है, ग्रो से एक वर्ब बनी है ओवरग्रो, ये जो ओवरग्रो वर्ब बनी है आपको बता दूं किससे बनी है, ग्रो से। तो जब इसके सेकंड फॉर्म आप बनाओगे तो सेकंड फॉर्म भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, मतलब ओवरग्रो बनेगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी ओवरग्रोन, ओके, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल आप लोग ये ट्रिक को। तो सिंग वाली ट्रिक और नो वाली ट्रिक, है ना। अब तीसरा इसी में मैं आपको लेकर चलता हूं एक और नई ट्रिक, जिसमें हम लोग एक वर्ड को देखेंगे, जिसे हो गया स्लीप, एक हो गया आपका फील, है ना, स्लीप हो गया, फील हो गया, कीप हो गया, स्मेल हो गया, राइट। अब ये सारी की सारी वर्ब्स जो ना एक ही पैटर्न को फॉलो करेगी। जैसे स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी पता है आपको, स्लैप्ड। थर्ड भी क्या बनेगी भाई, स्लैप्ड, है ना। ऐसे फील की सेकंड फॉर्म बनेगी फेल्ट, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या बनेगी, फेल्ट। अच्छा मीनिंग भी देखते चलो, मीनिंग एक बार देख लो सभी। नो मतलब जानना, फ्लाई मतलब उड़ना, ग्रो किसी चीज का उंगना, बढ़ना, आगे बढ़ना, ओवर ग्रो ज्यादा बढ़ जाना, स्लीप सोना, फील महसूस करना, कीप इट्स रखना, स्मेल सूंघना, है ना। तो कीप की सेकंड फॉर्म हो जाती है कैप्ट और ये हो जाती है कैप्ट। हाँ कोई सी वर्ब अगर छूट रही है तो आप अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। स्मेल, स्मेल भी ऐसे ही चलता है, स्मेल्ट। तो आप यहां पर देखिए एक नई ट्रिक ये आ गई। ऐसे ही आप एक ट्रिक लिख सकते हैं अपने सैंड की, सैंड सीरीज की, जिस देखो सैंड हो गया, बैंड हो गया, बिल्ड हो गया, एक आपका स्पैंड हो गया, बराबर। ये देखिए ये चार वर्ब हो गई, ये चारों वर्ब एक जैसी चलेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म आप बनाओगे तो आप बनाओगे सेंट, इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे बेंट, इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो बिल्ट, इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो आप बनाओगे स्पैंट, राइट। सेंड सेंट, बैंड बैंट, बिल्ड बिल्ट, स्पैंड स्पैंट। और हाँ एक बात अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, अभी हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें सारे बैचेस फिल हैं, तो हम लोग मई से स्टार्ट करेंगे फिफ्थ ऑफ मई से नया बैच। तो जो भी स्टूडेंट है फिफ्थ ऑफ मई को अपना जो रिकॉर्ड है हमें सेंड करें तो हम लोग आपको उस टाइम पर ज्वाइन कर लेंगे। सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होगी स्टूडेंट, सेंट, बैंट, बिल्ट और स्पेंट। तो इस तरीके से अभी आप देखिए सेंट 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 इस तरीके से हो गया, बेंड बैंड बैंट हो गया, बिल्ड बिल्ड बिल्ट हो गया, स्पेंड स्पेंड स्पेंट हो गया। कितना आसान है, मतलब मैंने कहा ना कि ट्रिक से आप लोग लर्न करोगे आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब ऐसे एक सीरीज में हम लोग ले लेते हैं लाइक, अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे आपने कहा सी, है ना, आपने कहा सेल, ठीक है। अब ये वर्ब किसी पैटर्न को, अब ये हो जाती है सी की सेकंड फॉर्म हो जाती है भाई सा, थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। तो आप कहोगे क्या सर ये इसकी तरह है, नहीं भाई ये थोड़ा अलग जा रहा है। सेल इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है सोल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, है ना। तो सेल सोल्ड सोल्ड, सी सा सीन, तो ये इस तरीके से चलता है। अच्छा एक और सीरीज में चाहता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से चीजें को समझा सकूं। अब एक और सीरीज आपकी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सारे स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स अब कुछ वर्ब जिसे मैंने कहा सीक, फाइट, थिंक, ब्रिंग, बाय, इनका और अलग ही मैटर है भाई। इनकी अगर आप सेकंड फॉर्म बनाने जाओगे तो कुछ अलग ही तरीके से बनेगी। जिस देखो सीक की सेकंड फॉर्म बनाओगे तो शॉर्ट हो जाएगी, सीक शॉर्ट शॉर्ट। ऐसे ही फाइट की, फाइट एफ ओ यू जी एस टी, फॉट F O U G S T, fought, sorry, fight, fought, fought। ऐसे think के बनाने जाओगे तो think, thought, thought। और आपको बता दूं ये thought जो है ना ये noun भी है, आपकी second form जो इसकी think की होती है, thought एक noun भी है जिसका मतलब होता है विचार, है ना। और thought ये plural इसका बनता है thoughts, जबकि ये second form भी इसकी है। ऐसे देखो C की जो second form होती है, जो C की second form होती है सा, सा मतलब आरी भी होता है, आरी जिससे हम लोग कुछ कोई चीज काटते हैं वो सा भी होता है ना, तो ये थोड़ा समझ गए हम लोग। इसके बाद है ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग मतलब होता लाना किसी चीज का, है ना। थिंक मतलब होता सोचना, अब ये लिखते चले। बाय मतलब होता खरीदना, फाइट मतलब होता लड़ना, सीक मतलब होता खोजना, राइट। तो ये इस तरीके से किसी चीज को खोजते हैं हम लोग। अब जैसे आप कहेंगे सर्च, तो सर्च तो कौन सी वर्ब है आपकी, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा। आपने कहा डिस्कवर,
इसमें भी ईडी लग जाएगा, है ना? आपने कहा इन्वेंट, ठीक है, तो इन्वेंट में भी ईडी इन्वेंटेड हो जाएगा। तो ये ऐसी वर्ब्स है जिनमें ईडी लग जाता है, ये रेगुलर वर्ब है। आपको बता दूं मैं, मैक्सिमम वर्ब्स जो होती हैं वो रेगुलर होती है, और स्पोकन में जितनी वर्ब्स यूज होती है वो सारी की सारी इरेगुलर होती है। मैक्सिमम वर्ब्स स्पोकन में इरेगुलर यूज होती है, ठीक है। जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब बातचीत करते हैं इंग्लिश में, तो उनमें जो ज्यादातर वर्ब्स यूज होती है वो आपको बता दूं रेगुलर होती है, इसलिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि ट्रिक के थ्रू अगर चीजों को लर्न करना है तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए ऐसे ही हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। बाय को, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, ये बन गया आपका। तो बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, थिंक थॉट थॉट, फाइट फॉट फॉट, सीक सॉट सॉट, दैट इज द कंसेप्ट, राइट। तो ये कंसेप्ट के थ्रू आप लोग वर्ब्स को लर्न करें तो काफी इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, राइट। अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में छोटी सी आपकी हेल्प हुई होगी, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि कैसे आपको इसको लर्न करना। अब मुझे आपको कमेंट करके आप ये बताना कि अगला वीडियो में कौन सा बनाऊं, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं और उनको क्या चाहिए, राइट। वैसे तो मैं अभी लाइव क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी, तो उसमें भी काफी सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वीडियो सर और बनाना है, तो मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि यार स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए सॉल्व करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।